फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल। एज यू नो, मैं हूं निहारिका। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है, मैं फिर से रिव्यू करने वाली किसी प्रोडक्ट का। लेकिन रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर जो है विश कर रही हूँ एडवांस में। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद मैं जो रिव्यू करने वाली हूँ किस प्रोडक्ट का, वो भी आज मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक नया प्रोडक्ट यूज़ किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये स्पेशली उन लोगों, वैसे तो मैंने बहुत सारा स्क्रब नेचुरल बनाना सिखाया है, लेकिन आज जो स्क्रब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो वर्किंग लेडीज़ हैं जिनको जो है ये सब बनाना, होम रेमेडी बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा स्क्रब हो सकता है, उसका रिव्यू देने वाली हूँ। क्योंकि ये जो स्क्रब है नेचुरली बहुत अच्छा है और हर्बल है, साथ ही साथ इसको जो है यूज़ करने के बाद मुझे बहुत अच्छे फर्क देखने को मिले हैं। और जो इसमें लिखा है, शायद मैं इसे 100 में 98% मार्क्स दूंगी 100% में से, क्योंकि 2% मैंने इसलिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत केमिकल तो यूज़ होता ही है, लेकिन इसमें जो है ये पूरी तरीके से हर्बल है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसे 2% कम दिया है मार्क्स, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, देख सकते हैं आप, ये लोटस का है, ये लोटस का फ्रेश एप्रिकोट स्क्रब है और जो है एप्रिकोट से बना हुआ है। इसमें जो है जो यूज हुआ है प्रोडक्ट, उसमें एप्रिकोट है और इसमें बहुत, इसमें आपको एक चीज बता दूं, विंटर स्पेशल इसलिए है ये क्योंकि इसमें जो है ग्रिसलिन यूज है और विंटर में आपको पता ही है कि ग्रिसलिन के कितने ज्यादा फायदे हैं। आप डायरेक्टली ग्रिसलिन को भी अपने फेस में लगा सकते हैं। तो इसको जितना ही मैंने, देखिए, इसे यूज कर रखा है, ये जो है प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मैं आज ही इसकी पैकेजिंग ओपन कर रही हूँ, लेकिन इसके बारे में पूरा सब कुछ बताऊंगी डिटेल में आपको, कितने का मिलता है, कैसा क्या है। लेकिन उसको बताने से पहले एक चीज बता दें कि ये लोटस हर्बल है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बात सच है कि इसको यूज करने के बाद बहुत अच्छे आपको जो है इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये जो है प्रोडक्ट जो है, इसमें लिखा है वर्ल्ड टू फ्रेश न्यू स्किन, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसे यूज करने के बाद आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा ग्लो करेगी और बिल्कुल भी जितने भी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, यानी और जो डेड सेल्स वगैरह हमारी स्किन में आ जाते हैं जिसके कारण हमारी स्किन बहुत ज्यादा ही डार्क सी नजर आती है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, मतलब पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, जिनको नेचुरल स्क्रब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन दोनों के लिए अच्छा है, उसे बॉयज भी यूज कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इसमें जो है हार्ड स्किन के लिए भी अच्छा है। बॉयज की स्किन थोड़ी सी जो है, गर्ल्स से थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन ये स्क्रब आप भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी स्किन के लिए भी। और एक चीज बता दें कि ये 155 का है और इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम, और 100 ग्राम मिल जाएगा आपको। आप चाहे तो इसे 60 ml का भी मिल सकता है आपको, उसका जो है जो प्राइस होगा वो 90 के आसपास होगा, तो आप उसको भी ले सकते हैं, छोटा लेके यूज कर लीजिए पहले। और लेकिन हाँ, अगर इसका जो है, अगर प्राइस की बात करें तो पूरी तरीके से बजट फ्रेंडली है, यानी आप इसे इजिली ले सकते हैं। 155 में 100 ml जो मिल रहा है आपको, 100 ग्राम, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है स्क्रब जो है आज, और सिर्फ एक चीज बता दें, हर स्क्रब को हम डेली यूज नहीं कर सकते, यानी हर दिन यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये स्क्रब ऐसा है कि आप हर दिन यूज कर सकते हैं। और वैसे स्क्रब जो है मेरे अकॉर्डिंग से कहा जाए तो हर दिन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब करने से हमारे स्किन जो है बहुत ज्यादा, उसमें जितने ऑयल होते हैं ना, तो ऑयल पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनको रोज स्क्रब करना चाहिए, पर जिनकी ऑयली स्किन नहीं है, लाइक सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है और बहुत ज्यादा ही रफ से खिची खिची से स्किन है, उनको कभी भी डेली वेयर में जो है स्क्रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है अगर वो डेली यूज करेंगे तो उनकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और हमारी स्किन में ऑयल का भी रहना उतना ही जरूरी है, यानी हमारी बॉडी में ऑयल का रहना भी जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में पूरी तरीके से ऑयल खत्म हो जाएगा तो हमारी जो स्किन है वो पूरी, उसमें झाइयां आ जाएंगी, और यही रीजन होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्क्रब यूज करते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा फेस पैक, बहुत ज्यादा अपने फेस में ही कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। ऐसी बहुत से लोगों की आदत होती है, बहुत सी गर्ल्स की, कि मेरा फेस और ज्यादा ग्लो करे, और ज्यादा मेरा फेस फेयर हो, यही रीजन है कि उनको ही आगे चल के झाइयां पड़ जाती हैं, क्योंकि वो जो है ऑयल जो होना चाहिए जो हमारी फेस के लिए अच्छे होते हैं, ऑयल वो भी पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो ऑयली स्किन वाले इसलिए यूज करना चाहिए उनको स्क्रब डेली वेयर में, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं हमारी फेस में, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। लेकिन और स्किन टाइप्स के लोग बिल्कुल भी डेली स्क्रब ना करें, उन्हें वीकली 2 times या वीकली 1 time ही स्क्रब यूज करना चाहिए। अच्छा होगा कि आप हर संडे को ही स्क्रब यूज करें।
स्क्रब करने का जो तरीका होता है वो भी आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है। लेकिन स्क्रब हमेशा जब भी आप करें उसे जेंटली मसाज करना चाहिए और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैंड से मसाज करना चाहिए, क्योंकि ये आप पहले से, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है देखने में, ये पहले से ही थोड़ा सा दर्दरा होता है और बहुत ज्यादा अगर आप जो है खींच करके अगर स्क्रब करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन में रैशेस आ जाएंगी, फाइन लाइन्स आ जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन में ऑयल नहीं है तो आपकी स्किन फट भी सकती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्क्रब नुकसान करता है, स्क्रब से हमारी स्किन में रैशेस आ जाते हैं, तो इसका रीजन वही होता है कि उन्हें स्क्रब करने का तरीका नहीं आता है। तो अगर आप देखें अंदर कैसा है तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा होगा, और ये जो है देखिए इसमें स्क्रब है तो ये दरदरा सा है, और अगर आप इसे जो है अच्छे से बिल्कुल स्क्रब नहीं करेंगे तो ये आपकी स्किन को नुकसान भी, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये हर जो भी आप कंपनी का स्क्रब लेंगे वो सारे ऐसे दरदरे से ही होंगे, लेकिन जो है आपको पता है कि यही जो होते हैं हमारे नोज में जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स वगैरह आ जाते हैं, साथ ही साथ जो डेड सेल्स होते हैं हमारी स्किन में उसे रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, वरना उसी के कारण हमारी स्किन का कलर बहुत डाउन नजर आता है और इसके साथ साथ हमारा जो नेचुरल कलर होता है वो कहीं छिप जाता है। तो ये रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप जो है लोटस का हर्बल ये एप्रिकोट वाला जो फेस स्क्रब है इसे यूज कर सकते हैं, अगर आप नेचुरल स्क्रब में इंटरेस्टेड नहीं है तब। अगर आप नेचुरल में इंटरेस्टेड है तो आप पहले मेरे जाके देख लीजिए, वीडियोज आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्क्रब के, आप उसे यूज करिए। वैसे मैं इस वीडियो में बता दूं, आप ब्राउन शुगर में थोड़ा सा हनी यूज कर सकते हैं, उसको लेकर के आप स्क्रब कर सकते हैं। ब्राउन शुगर एक बहुत अच्छा स्क्रब होता है अगर आप नेचुरल स्क्रब यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को प्रोडक्ट जो है सूट नहीं करता है बाहर का, तो वो यूज कर सकते हैं, वो नेचुरल है, हार्मफुल भी नहीं है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली आपकी स्किन के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये जो है आप यूज कर सकते हैं, ये हर्बल है और मुझे बहुत कम चीजें सूट करती है बाहर की, मैंने अपने हर वीडियोज में बताया, लेकिन ये मुझे सूट की है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्किन टाइप के लोगों को यूज करना चाहिए, क्योंकि बॉयज भी यूज कर सकते हैं। बस एक जो मैंने आपको बताया है कि एक प्रॉब्लम ये है कि जिनकी स्किन ऑयली नहीं है वो लोग हमेशा डेली वेयर में बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो देख लीजिएगा आपका जो फेस है वो जो धीरे धीरे करके आपका फेस बहुत ज्यादा ही आपको लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा डार्क लगने लगा है आपका फेस, वो इसी वजह से होता है। तो डेली स्क्रब नहीं करिएगा। मेरी स्किन ऑयली है फिर भी मैं 2-3 दिन के गैप में स्क्रब करती हूँ। और देखिएगा ऐसे कैसे पता लगे कि हमारी बॉडी में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा अपना नोज को टच करेंगे यहाँ पे। अगर आपका जो नोज है वो बहुत ज्यादा चिकना सा ऐसे फील हो रहा है, मतलब ऐसे होता है कि खुरदुरा सा फील होता है, तो इसका मतलब आपको जो है व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आए हुए हैं, और वो दिखते भी अगर आप बाहर रोशनी में जाके देखेंगे ना तो वो आपको दिखाई भी देंगे, अच्छे से शो होंगे, स्पेशली इस एरिया में, और यहाँ इस एरिया में बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो स्क्रब काम ही वही होता है कि जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करना और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सबको रिमूव करके आपकी स्किन को फेयर बनाना, आपकी स्किन में ग्लो लाना, इसका जो फायदा है वो वही है। तो आप इसे जरूर यूज करिएगा फ्रेंड, और ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने 98% मार्क्स दिया है, और फ्रेश है, हर्बल है आपको पता ही है, और इसमें ग्रिसलीन है जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि ग्रिसलीन विंटर में यूज जरूर करना चाहिए। और एक चीज और होता है एप्रिकोट से बना, तो आपको पता ही है कि वो कितनी हेल्दी है हमारी स्किन के लिए, और इसमें जो भी चीजें यूज हुई है मैंने इसमें देखी है, थोड़ा सा केमिकल तो यूज होता ही है, क्योंकि हम जो चीज, जैसे हम नेचुरल चीज, मैं बता दूं आपको क्यों यूज होता है, क्योंकि जैसे लाइक हमने कोई नेचुरल स्क्रब बनाया तो वो 2-3 दिन मैक्सिमम 3-4 दिन चल सकता है या 1 वीक चल सकता है अगर आप उसे फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रखते हैं तो। लेकिन अगर आप जो है मार्केट में देखेंगे तो उसे अच्छे से जो है प्रिजर्व करने के लिए उसे जो इसमें बहुत केमिकल यूज किया जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि नेचुरल चीजें यूज करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपके लिए बेस्ट रही हर्बल, इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम है, ग्रिसलिन से बनाया गया है, इसलिए ग्रिसलिन बहुत अच्छा है विंटर में, तो जरूर यूज करना। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, अगर इससे रिलेटेड कुछ और आपको पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, और हर स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया, बस मैंने जो अभी बताया आपको बस उस बात का ध्यान रखते हुए हर स्किन के टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, साथ में बॉयज भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर यूज करना, और यूज करके मुझे क्या रिजल्ट मिला आपको प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।